अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चॉइस फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम आए एक नया सवाल लेके और चलते हैं, फिर आवाम की राय लेते हैं। चलें सर, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान को पकड़ा गया और दो दिन में छोड़ दिया गया, ये सही है या गलत? मेरे ख्याल से उसको दो दिन से पहले छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो एक अवामी लीडर है और अवाम उसके पीछे खड़ी है। बाकी 13 जमातों में जितने कारकुन वो नहीं जमा कर सकते, इमरान खान के उससे ज़्यादा कारकुन है और एक वाहिद यही लीडर है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, जो जिससे पाकिस्तानियों को भी उम्मीद है और इंशाल्लाह ये अच्छा। अच्छा, आवाम का आपने रद्दमल देखा होगा, जलाओ घराओ करना, नुकसान पहुँचाना, हमारे टैक्स ही बनता है, आपको पता है, तो ये सही है या गलत है? किसी भी चीज़ का इंतजार तोड़ फोड़ या हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाना हमेशा ही गलत है, बट हमें उसका रीज़न सोचना पड़ेगा कि इसके पीछे आखिर है कौन या क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंतजार फैलाना चाहते हैं, वो असल ऑब्जेक्टिव से हट के होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। जो रिएक्शन आया बिल्कुल गलत है, बट अवाम का सपोर्ट आएगा तो ही काम बनेगा, ऐसे कोई भी लीडर कुछ नहीं करता। इमरान खान को जो अरेस्ट किया गया और दो दिन में छोड़ दिया गया, कि ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत था, इसमें सही वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल ही पकड़ना चाहिए था। जाहिर है वो इतना मकबूल लीडर है, इस टाइम पूरी दुनिया जानती है, तो मतलब और पीडीएम को भी सब जानते हैं। सही, तो उस हवाले से जो है उसको मतलब मुल्क का इतना नुकसान करवाने के बाद आप इस तरह का डिसीजन लेना, हमें तो कुछ समझ नहीं आता कि क्यों किया ऐसा। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने देखा हुआ जलाओ घरा हुआ, उसमें सिक्योरिटी तो थी नहीं, लोगों ने आए जलाना सब कुछ लग गए, तो ये इस पर एक्शन लेना चाहिए? नहीं, ये ऐसा लगता है जैसे कोई गेम था पहले से, मतलब जहाँ जा रही है अवाम बिल्कुल उनको छोड़ दिया गया, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आज से कोई इनका बनाया हुआ प्लान था कि इनकी के लिए कोई बाद में मसला पैदा करें कि लोगों ने आपके लोगों ने तोड़ मोड़ की है, अगर सिक्योरिटी होती तो इतना नुकसान नहीं होना था। सही, मेरा ख्याल है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा सवाल आपसे ये था कि इमरान खान को जो पकड़ा गया और दो दिन में छोड़ दिया गया, कि ये सही है या गलत? बिल्कुल, उसको तो पहली बात है गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर रहा है। ये चीज़ें उन लोगों को समझ नहीं आ रही जो उसके पीछे लगे हुए हैं, हमें पता है वो हमारे लिए क्या कर रहा है। हम तो ये चाहते थे कि वो कभी गिरफ्तार ही ना हो और हम उससे इतने दूर हैं, हम तो चाहते थे जहाँ पे उसको रखा गया हम वहीं से उसको पकड़ के वापस बाहर निकालें, और हम इतना खुश हैं कि वो बाहर आ गया वापस, और हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा पीएम रहे, तो इस चीज़ की इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होगी हमारे लिए। अच्छा, ये अवाम का रद्दमल रहा, जलाओ घेराओ करना, के सही है या गलत? पहली बात ये है कि पीटीआई जो सारी चीज़ें हुई ये उनके बंदे ही नहीं थे, ये समझ लो वही बंदे थे जो उसको गिरफ्तार करके लेकर गए थे, जो कि सिविल ड्रेस के अंदर थे, जो कि हमने भी न्यूज़ में देखा और वो बाकायदा नज़र ही आ रहा था कि वो सिर्फ शीशे तोड़ने आए थे कि ये बताने कि इमरान खान के लिए और मुश्किल पैदा हो रही। सही, अवाम का रद्दमल आप कह रहे हैं कि गलत है? अवाम का नहीं है, अवाम तो उसकी जगह जो साइड है उसके लिए वो तो थी, लेकिन जो गहमा गहमी हुई, जो शीशे तोड़े गए, ये उनके खुद के बंदे थे। अच्छा, कि इमरान खान के साथ और मुश्किल हो, तो ये चीज़ें उन्होंने की हैं, ये इमरान खान के कारकुनों ने उन्होंने या उसकी जो पार्टी है उसके बंदों ने किसी ने भी नहीं की। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और पकड़ में भी आना चाहिए कि वो बंदे कौन थे, ताकि जो बंदे इस तरह की हरकतें करते हैं वो जेल जाएं और वो बाहर आए। इमरान खान हमारा भाई कप्तान है वो हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने टाइम में। सर, आप ये बताएं, इमरान खान को पकड़ा गया और दो दिन में छोड़ दिया गया, क्या ये सही है गलत? गलत। क्यों? गैर कानूनी से पकड़ा गया। अच्छा, क्यों, मतलब किस तरह गैर कानूनी, क्यों, समझाएं थोड़ा। पेशी के लिए बुलाया था, फिर उनको उठाया किस बिना पे, किस बिना पे, कोई केस हो कुछ भी हो तो आप उठा रहे क्यों पहले ये तो बताओ। पेशी के लिए अगर एक बंदा आया तो आप इसके साथ बिला वजह ऐसे जुल्म करके उठा रहे हो, ना कोई नोटिस हुआ है ना कुछ केस दर्ज हुआ है, फिर आप क्या सबूत है कि इसके ऊपर केस है या कुछ है? सही, तो इस वजह पे आपने क्यों उठाया? सही, तो ये गलत करार दिया गया। अच्छा, ये आवाम का ये रद्दोअमल है, आपने देखा होगा जलाओ घेराओ करना, ये सही है या गलत है? ये गलत है, पर आवाम भी मजबूर है, मोहब्बत है उनकी। अच्छा, तो ये वैसे गलत है क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान भी नहीं देना चाहिए। सही, नहीं तो मोहब्बत में पूरा मन भी तो कर सकते थे, कहीं साइड पे खड़े होकर कर लेते, सिर्फ टायर वगैरह नॉर्मल कर सकते थे कि एहतियाज तो ऐसे भी हो सकता है, और इमरान खान भी बोलता है, इमरान खान भी यही बोलता है, लेकिन अगर ये रद्दमल नहीं करते तो वो नहीं छोड़ सकता था। अच्छा, नहीं छोड़ सकते थे इस बिना। सही, इन्होंने ये करा है तभी तो इमरान खान बाहर आए। मतलब आप इमरान खान को कोर्ट से ले आना गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। सही है, आपको इससे कोई नुकसान हुआ जो आवाम का रद्दमल था? नहीं नहीं, हमसे हमारे से कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान खान को जो पकड़ा गया और दो दिन में छोड़ दिया गया, कि ये सही है या गलत? तो
सरासर गलत है। इमरान खान तो कानून के दायरे के साइनों के साथ चलना चाह रहा है। देखो अगर आपको अरेस्ट करना था आप जमान पार्क जा सकते थे, उन लोगों को आपने पेशी के तौर पर बुलाया वहाँ पे और आपने डायरेक्ट अरेस्ट किया, ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये आवाम को जो रद्दअमल है जलाओ घराओ करना, ये सही है गलत है? नहीं, ये तो गलत है। लेकिन एक चीज़ है, देखो अगर हम कानून की तेज चल रहे हैं आपको भी चलना चाहिए, अगर आप नहीं चलोगे फिर लाजमी हम भी कदम उठाएंगे आपके साथ। सही है, तो मतलब आपने देखा कि पूरा मन इमरान खान बोलता है पूरा मन करना चाहिए, तो ये जलाओ घराओ सही है? नहीं सही तो नहीं, देखो इमरान खान को फिर करने दो ना बनाओ मन, उसको नहीं कर क्यों नहीं करने दे रहे हो? 70 साल से जो बकाया कर रहे हैं उसको तो कोई रोक ही नहीं पा रहा, तो इमरान खान उसको करने दो। सही। और जो उसके इमरान खान को कोर्ट से लेके गए वो ले जाना सही है गलत? ये तो गलत है बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इमरान खान एक साबिका वजीर आजम रहा है इस मुल्क का, उसको इस तरह तरीके से ले जाना, गले से पकड़ के ले जाना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं इस चीज़ का, ना हम इसको कभी बर्दाश्त करें, ये तो गलत है बिल्कुल सरासर गलत। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान को अरेस्ट किया गया और 2 दिन में छोड़ दिया गया, क्या ये सही है या नहीं? ये तो देखो एक गलत पकड़ा गया उसको, अदालत के अंदर से उसको जो पकड़ा गया वो बहुत गलत पकड़ा गया। अदालत के बाहर से अगर पकड़ा जाता तो एक बात होती है, वैसे तो बहुत गलत है कि अदालत के अंदर से उसको पकड़ा गया। हाई कोर्ट वालों को सोचना चाहिए था या नेप वालों को सोचना चाहिए था कि वहाँ से गिरफ्तार कर रहे अदालत में से, वो तो बहुत गलत। अच्छा, ये जो आवाम का रद्दअमल आपने देखा होगा, जलाओ घराओ करना और बहुत ज़्यादा गाड़ियों में आग लगाना, हर जगह आग लगा रहे हैं, ये सही है गलत है? ये गलत है। आवाम का जो रद्दअमल जो गुस्सा जो जज्बा उनका था वो बिल्कुल गलत था, कि नुकसान जो हो रहा है वो हम लोगों का गरीबों का ही हो रहा है, वो किसी का नुकसान नहीं, हम लोगों का गरीबों का ही नुकसान हो रहा है। सही। ये गाड़ी चलाना या आग लगाना ये गलत करा उन्होंने, ये ऐसा नहीं होता, एहतियात करते हैं आप पूरी मामल में एहतियात करते हैं, ये बहुत गलत करा उन्होंने कि लोगों के गाड़ियाँ जलाई हैं, दुकानें जलाई हैं, अब वो रेडियो पाकिस्तान जलाया, वो बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। ऐसा नहीं होता कि हमारा लीडर है कि इमरान खान तो हम उसकी देखभाल करें कि हाँ भाई एहतियात करें, पूरा मन एहतियात करना चाहिए तो बोलना चाहिए तो। अच्छा, ये आपने देखा होगा, आपके किस तरह के एहतियात करना चाहिए आप ही बताएं? यार यही करते हैं कि सारे जमा होते किसी के चौक के ऊपर, चौक पे होते या सिंधो रोड के या इस्लामाबाद में जमा होते, वहाँ पर ये कहते हैं कि भाई ये एहतियात ये गलत करा इन्होंने, इमरान खान को पकड़ के अगर वारंट दे तो उसके घर पे जाके उसको वारंट दिखा के उसको गिरफ्तार करते, हाई कोर्ट से उसको गिरफ्तार करा, ये बिल्कुल गलत करा। ये तो हाई कोर्ट से तो कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि वहाँ से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, गलत है ये। देखा आपने देखा होगा कि मतलब आपने देखा कि बाजार अगर बंद हुआ या हैदराबाद अगर कोई बाजार अगर कोई बंद हुआ हो, हैदराबाद में भी बाजार बंद हुआ, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही बाजार बंद हुआ, आग लगाई पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, समझ लो कि आग लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है। अब तो खैर वो थोड़ा है तो सुना है कि चलो भाई थोड़ा पूरा मन सुकून से, कल से जो है सुकून मिला है लोगों को, दुकान बंद पड़ी हुई थी लोगों के, कारोबार ऐसी नहीं है, महंगाई इतनी हुई हुई है कि आदमी महंगाई से परेशान हुआ हुआ है। तो और एक एक रद्दअमल यह है कि इनके जो नुकसान से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, बिल्कुल हर दुकानदार परेशान, पहले परेशान था वो बहुत परेशान हो गया मजीद। सही। अभी जैसे कि मैं इधर चेन लोकेट बेचता हूँ, देखो 200-300 रुपए कमाने के लिए आता हूँ, शाम को आता हूँ, रात को, अब रात को आके उन्होंने बंद करवाया बाजार, अब मैं 300-400 अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ। सही। धंधे में किससे मैं गुजारा करता हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। अब आप ये सोचें, देखो गरीब का ही नुकसान हो रहा है ना, किसी को अमीर का तो नुकसान नहीं है। सही। गरीब का ही नुकसान हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि पूरा मन करना चाहिए एहतजाज और नुकसान ना पहुंचाएं। हां बिल्कुल, लीडर है इमरान खान, मैं ये कहता हूँ कि पूरा मन सुकून से एहतियात करते हैं आप, सारे जमा होते एहतियात करते हैं, जिन्होंने पकड़ा उसके खिलाफ बोलते हैं आप, एहतियात करने से सारे जमा होते हैं उनसे बात करते तो वो एक बात अलग थी, नुकसान करने से किसी का भी करा वो हमारा ही नुकसान है। सही। हमारा ही नुकसान है, गरीबों का नुकसान हो रहा है ना। सही। किसी का भी नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट का नुकसान करा वो भी हमारे टैक्स लेने से, वो गरीबों का नुकसान हो रहा है ना, नुकसान हमारा। अब वो जो इन्होंने गाड़ियाँ चलाई हैं कराची के अंदर, इधर गाड़ियाँ चलाई हैं हैदराबाद के अंदर, ये तो बिल्कुल नुकसान है ना, गरीबों की गाड़ी है, अब कौन नुकसान भरेगा उसको? सही बात। नुकसान तो कोई भी नहीं भरेगा, नुकसान आवाम को ही भरना है टैक्स। गाड़ी चली है वो खुद ही, यानी वो अपने पैसों से यानी गाड़ी बनाएगा, गाड़ी लेगा। सही। गवर्नमेंट तो पैसे नहीं देगी उसको, किसी की मोटरसाइकिल चली है, किसी की कार चली है, किसी की हाईलाइट चली है, बस से चली है, तो वो आवाम का ही नुकसान है ना, उसमें तो गवर्नमेंट हमारे को कोई पैसा थोड़ी देगी। नहीं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ वगैरह बहुत आसानी चला दी गई,
पहले तो इस पे बड़ा एक्शन लिया जाता है, अब एक्शन लेना चाहिए नहीं। और जो पैसे हैं आवाम के, जो पैसे आप देखोगे आवाम के पैसों की चीजें हैं, तो वो कौन भरेगा आवाम के पैसे? एक्शन तो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जिन्होंने नुकसान करा है उनके ऊपर एक्शन तो लेना चाहिए। ये बात तो सही है, बिल्कुल नुकसान जो हुआ है वो नुकसान इन्होंने भरा, इनसे लेना चाहिए नुकसान। या इमरान खान देवे या वो देवे, गरीबों का ख्याल करे कि गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हो, गरीबों का ही नुकसान कर रहे हो ना। सही, गरीबों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हो, गरीबों का ही नुकसान कर रहे हो। इसमें अब ये कि थोड़ा सा इनको खुद को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं होता कि ये पाकिस्तान में, मेरी उम्र अभी माशाल्लाह 52 साल हो गई है, 50 तो 2, मैंने ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपने देखा कि ऐसा जो होता है समझे ना, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ ये, बहुत गलत हुआ। नहीं, आपको क्या लगता है पीटीआई ने किया है या कोई किसी और की साजिश है? ये अब ये पीटीआई वाले हैं, अब ये तो देखो कहने की बात है कि लोगों के सामने तो यही आ रहा है पीटीआई वाले, अब इसमें अगर बीच में कोई दुश्मन भी घुस जाता है तो वो दुश्मन नजर थोड़ी आता है, पीटीआई वाले ही नजर आते हैं ना। सही, अक्सरियत तो पीटीआई वालों की है तो वो पीटीआई वाला ही नजर आएगा, दुश्मन नजर नहीं आएगा इसके। सही, बिल्कुल ऐसा ही। तो इनको खुद को सोचना चाहिए ना कि इनके आड़ में दुश्मन भी फायदा उठा लेगा। सही, और हुआ है सुनने में यही आया कि दुश्मनों ने फायदा उठाया। सही, तो दुश्मन तो इसके पहले ही बहुत थे। बिल्कुल, इसके दुश्मन पहले ही बहुत थे, वो दुश्मन फायदा उठाएंगे, ये तो इनकी आवाम को, इसके जो जितने कारकुन है मैं उनको कहता हूँ वो उनको खुद को सोचना चाहिए कि तुम्हारी आड़ में दुश्मन फायदा उठाएगा। सही, तो आप खुद सोचो इस चीज़ को, खुद देखो ये ऐसा नहीं होता है, आपसे एहतियात करो, पूरे सुकून से करो, ऐसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमने टाइम दिया। जैसे कि आपने देखी आवाम की राय, अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक नए सवाल के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।